दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दो गुटों में हुई हिंसा को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल पूर्वोत्तर दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा का उग्र रूप दिखाई दिया, जिसके बाद से गुरुग्राम रोहतक में अलर्ट जारी किया गया है। और बता दें कि दिसंबर में भी CAA के विरोध में हिंसा भड़काने के बाद से रोहतक में कई लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो वहीं अब हालात इस तरह के ना हो इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। हालांकि जो हालात है वो अभी सामान्य है, लेकिन हर एक गतिविधि पर पुलिस जो है वो गंभीरता से निगरानी रख रही है। रोहतक में अलर्ट वाले जिले के सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अवकाश रद्द कर दिया गया है, और इसी के साथ साथ SDM तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। नीरज, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं हरियाणा में अलर्ट को लेकर हिंसा के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे दिल्ली में हिंसा है इसको अपने जो खुफे तंत्र है उसको और मजबूत किया है। कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस के लिए परेशानी भरा सबब जरूर साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से दंगे हो रहे हैं या हिंसा फैल रही है, गुड़गांव जो है बिल्कुल दिल्ली से साथ लगता जो है वो राज्य है और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट है। कहीं ना कहीं इससे चलते जो है पहले ही काफी सुर्खियों में रहा है, चाहे नवाज विवाद रहा हो चाहे और दूसरे मामले रहे हो, साइबर सिटी हमेशा जो है इस चीज को लेकर सांप्रदायिकता को लेकर सांप्रदायिक मामलों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन अभी फिलहाल की जो कंडीशन है वो शांतिपूर्ण है। हालांकि जो साथ लगता मेवात क्षेत्र है यहाँ से भी कुछ जो है इंटेलिजेंस को रिपोर्ट थी कि कुछ लोग दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं या फिर गुड़गांव की शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। हालांकि ऐसी किसी भी जानकारी से शुरुआती तौर के ऊपर पुलिस के द्वारा जरूर इंकार किया जा रहा, लेकिन मेवात के आसपास की जो सीमाएं हैं जो गुड़गांव से लगती सीमा है उनको उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद जरूर किया गया है। इसके साथ साथ गुड़गांव पुलिस के जो सोशल मीडिया के ऊपर भी तमाम तरह की नजरें रखी जा रही है, साइबर सेल को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो घोटाऊ पोस्ट डाले ऐसे लोगों को न केवल नोटिस लगाए बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो मामला तक दर्ज कराने की तैयारी में गुड़गांव पुलिस के अधिकारी लगे हैं। जी नीरज, किस तरीके के चेंजेस किए गए हैं अलर्ट को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है कई पुलिस अधिकारियों की, सभी की? देखिए पुलिस अधिकारियों की छुट्टी की रद्द करने की बात जो है वो शुरुआती तौर के ऊपर जरूर सामने आ रही थी, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा जो है पुलिस कमिश्नर की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन खुफिया तंत्र को जरूर मजबूत किया जा रहा है और ऐसी तमाम असामाजिक तत्वों के ऊपर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो तमाम चीजों के ऊपर जो है वो पुलिस विभाग नजर बनाए हुए है और असामाजिक तत्वों की पहचान करने में लगा है कि कौन ऐसे टाइम के अंदर जो है भड़काऊ पोस्ट डाल रहा है या लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है या लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, चाहे हम फेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, तमाम चीजों के ऊपर साइबर सेल की नजर है और तमाम जो अधिकारी हैं वो सोशल मीडिया पर खासतौर से नजर रखे हैं। जी चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है हरियाणा में, जहां हर गतिविधि पर नजर रखा जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में इन दिनों हिंसा का माहौल है तो इसको लेकर अब हरियाणा पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। रोहतक और गुरुग्राम में सतर्कता बढ़ती जा रही है, अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश दे दिए हैं और सभी गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के हिंसा के बाद से अब हरियाणा अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है।